कि हम लोग बाहर आए हैं अभी तो कुछ अम्मे हम का फूड दे ना आपको बका फूड दे और अकेला का फूड होता है देखिए कितना सारा तूत है ये पास में गाछ है बहुत पक्का पक्का तूत है बहुत सारा बच्चा भी तोड़ रहे थे तो हम भी थोड़ा तोड़ के लेके चले आए थे तो मैं इधर केला का फूल जो है नहीं लास्ट में कटा था वो मैं खड़े होके कुर्सी पर तोड़ ली तो उसके बाद हम लोगों में दिखाती हूँ तूत का पेड़ देखिए कितना प्यारा लग रहा है तूत का पेड़ मुझे पता ही नहीं था मेरा घर का पीछे इतना बड़ा तूत का पेड़ है देख सकते कितना बहुत ही फल मैंने हुआ है और कितना आपको मैं गौर से मैं दिखा रही हूँ देखिए यहाँ कच्चा पक्का सब है लाल कलर हरा कलर और रेड मैंने ब्लैक कलर का भी जो पक जाता है ना तो हल्का ब्लैक कलर का ही हो जाता है तो इधर मैं पीछे गई थी और मैं आपको दिखाई था कल का ना कल मैंने मन भर गया कल का वह जो होता है चिकन उकन खा उ के चटपटा खा उ के एकदम मन उग गया है इसीलिए हम अभी बना रहे हैं एकदम सिंपल तरीका से पोहा और अभी बज रहा है 2:30 देखिए वो मेरा टेक्निक मैं बना रही हूँ आलू उलू डाल के और इधर मैं पोहा धो के रखी हूँ तो हल्का फुल्का खाने दिल कर रही या छोटा मोटा भूख तो आप इस तरीके से बना के खा सकते हैं तो अभी जो है ना ब्रश कर रहा है बेचारा सुबह से कुछ खाया नहीं है मेरा छोटा उसको जब ब्रश मिल जाए तब मुँह धोना स्टार्ट कर देगा तो लगभग हो चुका है और वो बना के और खा के आप लोग सुनने मिलती हूँ वीडियो अंत तक देखते रहिए अब बहुत छोटा क्लिप भी मैं बनाई हूँ आज की भी ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगी तो इधर देख सकते हैं मेरा काम पर काम मेरा अरे देखिए पूरा दाल जो उड़द का दाल था कल भी भिंगा के रखे थे पूरा छीट दिया है तो ज़्यादा भिंगा दी थी तो मैं सोची थी इसको मैं कुछ बना दूँगी ये देखिए छीट के टाटा कर रहा है तो इसको मैं देखिए थोड़ा मोड़ा उठा ली और उसके बाद धो के इसको मैं इसमें पोहा डाल के मैं पेस्ट बना लूँ तो इधर जो है मैं इसको तल ले रही हूँ तो मैं पोहा बना के मैंने पोहा डाल के उसका पेस्ट बना ली उसके बाद इसमें मिर्ची और डाल के मैं इसको तल ले रही हूँ तो उलट पलट करके मैं तल लूँगी और छोटा बहुत ही छोटा क्लिप है और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और इधर जो है मैं जो तल ले रही हूँ और बहुत सारा काम है जो कल होली था तो बहुत सारा कपड़ा निकल गया था फिसते फिसते 3-4 घंटा लग गया अब उसको तय करने में भी 1 घंटा लगेगा तो इधर मैं सारा निकाल लेती हूँ इसी तरीके से मैं तल लेती हूँ पूरा असज में यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी हुआ था तो इधर मेरा हो चुका है और उधर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कपड़ा का पहाड़ देखिए देखिए कितना सारा कपड़ा है तो सब बैठ के भी तय करना है तो मैं जा रही हूँ तय करने और मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी अब तो देखिए इधर मेरा बेटा मदद कर रहा उठा उठा फेंक रहा है पूरा